Welcome home. सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवी बॉक्स। मैं हूं आरपी रैना और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 हॉलीवुड वेब सीरीज के बारे में। गाइस, ये सभी मूवीज हिंदी में ऑफिशियली डब्ड की गई हैं। इस लिस्ट के अंदर आपको एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन और हॉरर टाइप की सभी मूवीज आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसे आप नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम पे आसानी से देख सकते हैं। गाइस, अगर आप इनमें से कोई भी एक वेब सीरीज देख लेते हैं तो आपके मन में एक ही सवाल आएगा, भाई इसका अगला सीजन कब आएगा। तो चलिए गाइस, बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट के अंदर जो 10 नंबर पे वेब सीरीज आती है, उस वेब सीरीज का नाम है द सनारा क्रॉनिकल्स। ये आया था 2016 में। एक फैंटेसी एडवेंचर पर बेस्ड वेब सीरीज है और इस वेब सीरीज के अभी तक 2 सीजन और 20 एपिसोड आ चुके हैं। इस वेब शो के अंदर स्टोरी दिखाई गई है जब इंसानियत की हिफाजत करने वाला एक पैड एल्क्रीज धीरे धीरे मरने लगता है। अगर वो पूरी तरह से खत्म हो गया तो शैतान पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे और सब कुछ तबाह कर देंगे। ये सब रोकने के लिए बारी होती है एम्ब्रेली, एलिट्रिया और विल की, और ये लोग निकल जाते हैं एक एडवेंचर पर जहाँ पर इन्हें बहुत सारी मुसीबतों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो गाइस, सबसे अच्छी बात तो यह है कि अगर आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप एमएक्स प्लेयर पर इसे फ्री में देख सकते हैं, वो भी फुल एचडी में। गाइस, ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इस आईएमडीबी रेटिंग मिले 7.2 आउट ऑफ 10। नाइन नंबर पे है द बॉयज। एक फैंटेसी एडवेंचर पर बेस्ट वेब सीरीज है और इस वेब सीरीज के अभी तक 2 सीजन और 20 एपिसोड आ चुके हैं। इस वेब सीरीज के अंदर आपको एक से बढ़कर एक सुपर हीरोज देखने के लिए मिलेंगे। ये सभी सुपर हीरोज एक केमिकल के द्वारा तैयार किए गए होते हैं। इस वेब सीरीज के अंदर आपको देखना है एक कंपनी को जो कंपाउंड भी देकर लोगों को सुपर हीरोज बनाती है और इन सभी सुपर हीरोज की ब्रांडिंग करके वो कंपनी बहुत ही ज्यादा पैसा कमाती है। लेकिन इन सभी सुपर हीरोज की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा बैठे होते हैं, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने इन सुपर हीरो की वजह से किसी न किसी अपनों को खोया है, तभी वे सभी डिसाइड करते हैं कि ये सभी लोग उन सभी सुपर हीरो और कंपाउंड वी कंपनी की असलियत सबके सामने लेकर आएंगे। गाइस, अभी तक मैंने जितने भी वेब सीरीज देखे हैं उन सभी वेब सीरीज में ये मेरी फेवरेट वेब सीरीज रही है। गाइस, इस वेब सीरीज की हिंदी डबिंग तो कमाल की है, और कमाल क्यों ना होगी क्योंकि इस वेब सीरीज के जो लीड कैरेक्टर है उनको वॉइस दिया है बॉलीवुड के स्टार राजकुमार राव, दिशा पटानी और अर्जुन कपूर। तो गाइस, आप इस वेब सीरीज को मिस मत करिएगा। इस वेब सीरीज को आईएमडीबी ने रेटिंग दिया है 8.7 आउट ऑफ 10। सच ये है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम भगवान हैं। 8 नंबर पे आती है द विचर। ए आई 2019 में एक फैंटेसी एडवेंचर पर बेस्ट वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अभी तक 1 सीजन और 8 एपिसोड आ चुके हैं। इस वेब सीरीज के अंदर स्टोरी दिखाई गई है द विचर गिराट की, जिसके अंदर बहुत ही ताकत और बहुत सारी सुपर पावर होती हैं, और ये हमेशा मॉन्स्टर का शिकार करता रहता है और इसे आम आदमी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और ये कई बार लोगों से बताने की कोशिश करता है कि ये बाकी के लोगों की तरह नहीं है। एक कमाल की फैंटेसी एडवेंचर से भरी बेहतरीन वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज को आप जरूर देखना। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। आईएमडीबी ने रेटिंग दिया है 8.2 आउट ऑफ 10। सेवन नंबर पे लास्ट इन स्पेस। ए आई थी 2018 में। एक साइंस फिक्शन वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज का अभी तक 2 सीजन 20 एपिसोड आ चुके हैं। इस वेब सीरीज के अंदर स्टोरी दिखाई गई है एक स्पेस फैमिली की, जो किसी वजह से एक खतरनाक प्लेनेट पे उनकी स्पेस लैंड कर जाती है, जहां पर उनके अलावा बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं और उनके जान के पीछे पड़े होते हैं। अब आगे की स्टोरी मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप खुद इस वेब सीरीज के अंदर देखिए कि वो लोग उस खतरनाक प्लेनेट पे कैसे सर्वाइव करते हैं। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। आईएमडीबी ने रेटिंग दी है 6.8 आउट ऑफ 10। सिक्स नंबर पे आती है सबरीना। ए आई थी 2018 में। एक फैंटेसी एडवेंचर पर बेस्ट वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अभी तक 4 सीजन 35 एपिसोड आ चुके हैं। इस वेब सीरीज के अंदर स्टोरी दिखाई गई है सबरीना की, जो आधी इंसान और आधी डायन होती है, और कुछ लोग होते हैं जो उसके परिवार को मारना चाहते हैं। अब आपको इस वेब सीरीज के अंदर देखना है कि सबरीना अपने परिवार को कैसे बचाती है और बचा पाती है या नहीं। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। आईएमडीबी ने रेटिंग दिया है 7.5 आउट ऑफ 10। फाइव नंबर पे आता है क्रश डी। एक फैंटेसी ड्रामा पर बेस्ट वेब सीरीज है और इस वेब सीरीज के अभी तक 1 सीजन और 10 एपिसोड आ चुके हैं। इस वेब सीरीज के अंदर स्टोरी दिखाई गई एक नीमू नाम की एक विच प्रिंस की, जिसकी माँ को विचर्स को मारने वाले लोग मार देते हैं, लेकिन मरने से पहले उसकी माँ उसे एक तलवार देती है जिसे किसी भी हालत में उसे अपने पिता के पास पहुँचाना होता है, जिससे कि वो अपने लोगों को बचा सके। अब आप खुद इस मूवी के अंदर देखिए कि वो किस तरह से एडवेंचर और खतरों से सामना करते हुए अपने पिता के पास कैसे पहुँचती है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। आईएमडीबी ने रेटिंग दिया है 5.8 out of 10। You are not some fragile name.
फोर नंबर पे आती है द लेटर ऑफ द किंग। ए आई थी 2020 में। ये एक फैंटेसी फैमिली पर बेस्ट वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अभी तक एक सीजन और 6 एपिसोड आ चुके हैं। इस वेब सीरीज के अंदर स्टोरी दिखाई गई एक क्यूरी नाम के एक लड़के की जो एक वॉरियर बनना चाहता है लेकिन कोई भी उसे उस काबिल नहीं समझता है। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक नाइट वॉरियर से जो कि उसे एक मैसेज देता है और उस मैसेज को किसी भी तरह किंग के पास पहुंचाना होता है। अब आगे आपको देखना है कि क्या वो लड़का उस मैसेज को राजा के पास पहुंचा पाता है या नहीं। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। आईएमडीबी ने रेटिंग दी है 5.9 आउट ऑफ 10। तुम में कमाल की शक्ति है, ये एहसास मुझे हो गया था। तीसरे नंबर पे आता है लूसीफर। ये एक फैंटेसी एडवेंचर पर बेस्ट वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर स्टोरी दिखाई गई किंग ऑफ हेल की यानी लूसीफर की, जो अपने फादर से यानी गॉड से ही नाराज है और इसी वजह से वो पृथ्वी पर आ जाता है और यहाँ पर वो लोकल पुलिस के साथ मिलकर क्रिमिनल्स को पकड़ने में उनकी मदद करता है और इसी दौरान उसे डिटेक्टिव क्लोरीडे से प्यार हो जाता है। इसके अलावा भी आपको इस वेब सीरीज के अंदर बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। ये बहुत ही जबरदस्त वेब सीरीज है। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। आईएमडीबी ने रेटिंग दिया 8.1 आउट ऑफ 10। सेकेंड नंबर पे आते हैं मैंडालोरियन। ए वेब सीरीज आई थी 2018 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन पर बेस्ट वेब सीरीज है। गाइस इस वेब सीरीज के अभी तक 2 सीजन 14 एपिसोड आ चुके हैं और इसका दूसरा सीजन 2020 में आया है। इस वेब सीरीज के अंदर स्टोरी दिखाई गई एक मैंडालोरियन की, जिसे हम लोग मैंडो भी कह सकते हैं और इस वेब सीरीज के अंदर उन्हें मैंडो भी कहा गया है। ये लोग बाउंटी हंटर होते हैं और अलग अलग प्लेनेट पे जाके बाउंटी को पकड़ते हैं और इसकी मुलाकात होती है एक बाउंटी से, जिसे मिलाती है एक इंपीरियल से जो इस मैंडल से बोलती है तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा जिसके लिए मैं तुम्हें एक बैस्कर दूंगा। गाइस एक मैंडो के लिए बैस्कर बहुत ही कीमती चीज होती है क्योंकि ये इनकी हिस्ट्री से जुड़ी होती है और ये लोग इससे अपनी सूट भी बनाते हैं, जिसके लिए बाउंटी मान जाता है और बोलता है कि मैं उस काम को करूंगा। लेकिन जब वो जाता है उस चीज को लाने के लिए तो उसको पता लगता है कि वो कुछ और नहीं बल्कि एक बेबी योर्डा है और उसको देखने के बाद इसका मन बदल जाता है और ये डिसाइड करता है उस योर्डा को उस एम्प्रियल को नहीं देगा और उस योर्डा को लेकर भाग जाता है, जिसके बाद एम्प्रियल बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसको लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, जिसके वजह से उसके पास जितने भी बाउंटी हंटर होते हैं उसके जान के पीछे लगा देता है और उससे कहता है उस बाउंटी हंटर को मार डालो और किसी भी हालत में मुझे बेबी योर्डा लाकर दो। अब आगे आपको देखना है कि आखिर ये कैसे अपने आप को और उस बेबी योर्डा को बचाता है। गाइस ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल। इसी मूवी को आईएमडीबी ने रेटिंग दिया 8.8 आउट ऑफ 10। इसके बाद जो फर्स्ट नंबर पे आती है उस वेब सीरीज का नाम है द डार्क क्रिस्टल एज ऑफ रेजिस्टेंस। ये आया था 2018 में। एक फैंटेसी फैमिली पर बेस्ट वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर स्टोरी दिखाई गई एक अलग ही फैंटेसी दुनिया की, जहाँ पर स्केसिस राज करते हैं लेकिन असल में ये बूढ़े होते हैं और जल्द ही अपने एविल प्लान के साथ ये लोग पूरे वर्ल्ड को खतरे में डालने वाले होते हैं और जब लोगों को इनके बारे में पता चलता है तो लोग इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। गाइस ये एनिमेटेड वेब सीरीज काफी ज्यादा फैंटेसी और एडवेंचर से भरी पड़ी है, जो आपको कहीं पर थोड़ा सा भी बोर नहीं होने देगी। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इसे आईएमडीबी ने रेटिंग दिया 8.5 आउट ऑफ 10। सो गाइस आई होप कि ये सभी मूवीज आपको बहुत पसंद आएगी और आप इन सभी मूवीज को एंजॉय भी करोगे। तो गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की बेस्ट मूवी के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर भी पूछते हो कहां से, तो सुनो यूपी से, यूपी से, यूपी से वे, यूपी से कितनी बार कहें तुमसे, यूपी से, यूपी से, यूपी से वे, और कितनी बार बताएं बे।